जी नाज़रीन, आपको बताएं सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान की दीगर सूबाई वज़रा के उमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। हालात असेंबली के अंदर ना रहने दिए, बाहर इनसे कुछ होता नहीं है, तो असेंबली के अंदर इनको एक मौका मिला था जो इन्होंने उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और हम स्पीकर साहब ने अब जिस तरह इनके ऊपर अपना रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक प्रोसीजर के मुताबिक ये जो इनके चंद लोगों को असेंबली में आने से रोका गया है, तो इसके ऊपर भी अब ये दिया है इन्होंने। अब जैसा कि तमाम गवर्नमेंट की जो इस वक्त जो सॉरी असेंबली की जितनी भी कमेटीज़ हैं उनमें ये लोग कह रहे हैं कि जी हम शामिल नहीं होंगे, तो उन कमेटी में आके आपने लोगों के मसाइल ही हल करने हैं, वहाँ पे आके आपने अपने कोई ज़ाती काम तो किसी ने कोई किसी का नहीं करना। तो इनको चाहिए उन कमेटीज़ में आएँ और अगर अपने इनको मामलात को बेहतर कर लें और असेंबली के पार्लिमानी जो आदाब हैं उसके मुताबिक आएँ तो बिल्कुल जो है इनको हम वेलकम करते हैं। अदरवाइज़ ये है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं हम स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो गवर्नमेंट उसको जो है सख्ती से आनी हाथों से निपटेगी। और यही मेरी चंद आज के इस हवाले से गुजारशात थी, और मैं अब समीउल्लाह खान साहब से कहूँगा कि कुछ बात है कि जी नासिर, आपको बताएं सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान दीगर सूबाई वज़रा के उमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।